हाय गाइस, मैं तरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। गाइस, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन मुंबई में आकर रहे कहाँ। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो बस आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम बनाना चाहते हो तो आपको मुंबई आना जरूरी हो जाता है। नोट, मैंने जरूरी बोला है, बहुत जरूरी नहीं बोला है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप घर से भाग आए, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। देखिए, जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर फिल्मों का और टीवी सीरियल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। अदर स्टेट में भी प्रोडक्शन होता है लेकिन यहाँ के मुकाबले बहुत कम होता है। तो अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हो तो आप जहां पर भी रहते हो, आप जिस स्टेट में भी आप रहते हो, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आप मुंबई आना चाहते हैं तो मुंबई में रहेंगे कहां पर। अगर आप एक्टिंग के पर्पस से मुंबई आ रहे हैं और ऑडिशन देने के पर्पस से मुंबई आ रहे हैं तो आपके लिए अंधेरी एकदम बेस्ट जगह है, क्योंकि अंधेरी के अंदर काफी बड़े बड़े स्टूडियो हैं जैसे कि यशराज फिल्म, बालाजी टेल फिल्म और भी काफी सारे ऑफिस यहाँ पर हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पर ऑफिस ज्यादा हैं तो ऑडिशन भी काफी ज्यादा होते होंगे। तो आपके लिए यही सबसे ज्यादा बेस्ट होगा कि आप अगर मुंबई आते हैं और एक्टिंग के पर्पज से अगर आप मुंबई आते हैं तो आप अंधेरी के नियर बाय ही रहें, जिससे कि आप अच्छे से ऑडिशन दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन दे पाएंगे। और यहाँ पर जो है रहने के लिए पीजी की सुविधा काफी अच्छे से उपलब्ध है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, पीजी का जो रेंट है वो आपको हाई लग सकता है। अगर आप सिंगल पीजी लेते हैं तो वहां पर आपको 10 से लेके 12 हजार रुपये में सिंगल पीजी मिल जाएगा, और अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं तो आपको 6 हजार से लेके 8 हजार रुपये तक उसका रेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये काफी ज्यादा महंगा लगता है और आप इतना रेंट नहीं दे सकते तो देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी अदर सोर्स ऐसे हैं जैसे कि गोरेगांव, वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको पीजी और प्राइवेटली रूम मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी काफी सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो कि यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं और ऑडिशन दे सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, फिर देरी किस बात की, आप मुंबई आए और एक्टिंग करियर में आगे बढ़े और अच्छे से ऑडिशन दें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।